नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चटपटी टमाटर की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में इसका टेस्ट इतना बढ़िया आता है कि आप एक की जगह दो रोटियां खा जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनती है। कभी कभी सब्जी खाने का मन नहीं होता है, उस टाइम पे आप इस टमाटर की चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आइए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल की घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 6 टमाटर लिए हुए, पके हुए टमाटर हैं, तो अच्छे से धोकर इसे साफ़ कर लिया है। और अब इसका जो नली वाला भाग होता है उसे काट के हटा देंगे और टमाटर को बीच से 2 टुकड़ों में कट कर देंगे। टमाटर की ये जो चटनी है किसी भी पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। जैसे हम आलू का सत्तू का पराठा बनाते हैं या फिर रोटी के साथ भी ये बहुत ही बढ़िया लगती है। कभी कभी जो सब्जी तेल मसाले होते हैं, खाने का मन नहीं हो, तब आप इस टमाटर की चटनी को बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगेगी। और बनाना भी इसे बहुत ही आसान होता है, 5 से 7 मिनट में ये चटनी बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ देखिए, सारे टमाटर को मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ पे 1 जवा लहसुन लिया है, इसे भी हम छील लेंगे। लहसुन का टेस्ट इस चटनी में बहुत ही बढ़िया आता है, तो कम से कम 15 से 20 कली लहसुन का हम इसमें डालेंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ देखिए, लहसुन को मैंने छील लिया है। अब पैन में 1 चम्मच के जितना सरसों तेल डाल दिया है और अब कट किए हुए टमाटर को इसमें हम रखेंगे। तो जिस साइड से कट किया है उसी को नीचे रखेंगे और इस तरीके से हम इसमें बढ़िया से सारा फैला लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे टमाटर को इसमें डाल दिया है और इसी तरीके से उल्टा ही इसे डालना है, जिससे कि जब हम इसका छिलका हटाए तो ये आसानी से निकल जाएगा। अब इसमें हम लहसुन की जो कलियाँ है उसे डाल देंगे। इस तरीके से दोनों चीज़ें साथ साथ में पक जाएंगी। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, जिससे कि टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। और नमक डालने के साथ ही टमाटर जो है पानी छोड़ने लगता है। एक बार अच्छे से इसे हिला लेंगे और अब इसे हम कवर करके थोड़ी देर तक पकाएंगे। 3 से 4 मिनट जितना कवर करके इसे हमें पकाना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे। तो यहाँ देखिए, टमाटर जो है अच्छे से पानी छोड़ दिया है और छिलका जब हम हटा रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से हट जा रहा है। तो चिमटे की मदद से पकड़ पकड़ के हम छिलका आसानी से हटा लेंगे। आपको अलग बर्तन में निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसी में आसानी से निकल जाएगा। तो सारा छिलका मैंने इसी तरीके से हटा लिया है और अब जो पोटैटो मैशर होता है उसी से हम इसे मैश कर देंगे। टमाटर अच्छे से पक गए हैं तो बहुत ही आसानी से ये हो जाएगा। लहसुन को भी इसी तरीके से दबा दबा के हम मैश कर देंगे, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। यहाँ देखिए, बहुत ही अच्छे से सारे टमाटर को और लहसुन को मैंने मैश कर दिया है। लहसुन थोड़ा थोड़ा सा खड़ा है तो उसी तरीके से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है, गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर दिया है और अब इसमें 1 बारीक कटी हुई प्याज, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और खूब सारा हरा धनिया डाल दिया है। और अब इसे हम लो फ्लेम पर कुछ सेकेंड तक पका लेंगे। बहुत ही चटपटी टेस्टी सी हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। साथ में ये काफ़ी हेल्दी भी है, क्योंकि ये मात्र 1 चम्मच तेल में बनी हुई है और बिना मसालों के बनी है, लेकिन इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आप चाहे तो इसमें 1 पैकेट मैगी मसाले का डाल दीजिए, टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अब यहाँ पे इसे सर्व किया है, देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है। बहुत ही टेस्टी हमारी चटनी बनकर तैयार हुई है, बनाना भी बहुत ही आसान है। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, बेल की घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय माता दी।